press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आणि आता आपण ऐकूया आदरणीय डॉक्टर मोहनजी भागवत. मंच पर उपस्थित कला गगन की आकाश गंगा के सभी दैदीप्यमान तारे, ऐसे इनका वर्णन करना पड़ेगा. हिंदी में मैं बोलूंगा क्योंकि सभी के समझ में सरलता से आ जाएगा. स्वतंत्रता मुझे दी गई है, उसका मैं लाभ ले रहा हूं. भारत की सभी भाषाएं अपनी भाषाएं हैं. मैं घूमता हूं सारे भारत में, मेरा अनुभव ऐसा है कि किस भाषा में आप बात करते हो इस पर सामने वाले को कितना समझ में आता है ये निर्भर नहीं करता, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं, वो भारत की भाषा हृदय की भाषा है, वो सारी दुनिया में चलती है और समान होती है. जब इस पुरस्कार के 75 वर्ष पूरे हुए तब भी मुझे यहां उपस्थित रहने का भाग्य मिला था. इस बार फिर से फोन आया. कार्यक्रम लगे रहते हैं तो बड़ा कठिन रहता है, परंतु एक सुविधा हो गई. देश में चुनाव चल रहा है इसलिए हम लोगों के लिए कोई काम नहीं है, तो थोड़ी फुर्सत थी आज. और आज का एक कार्यक्रम था तो उसको दूसरी जगह कर दिया और मैं आ सका, क्योंकि मंगेशकर परिवार की कला की परंपरा है, वैसे देशभक्ति की, समाज के लिए कुछ करने की भी परंपरा है. जिनके नाम से ये पुरस्कार है, मास्टर दीनानाथ जी, वो केवल कला के क्षेत्र में जाने माने थे ऐसा नहीं, वो तो था ही, लेकिन ये जो सारा उनके पास था, जो उनको भगवान ने दिया और जो उन्होंने खुद कमाया, वह सब कुछ उन्होंने कला आगे बढ़े इसके साथ साथ देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े इसकी भी लगा, इसके लिए भी लगाया. वो जमाना ही स्वतंत्रता के संग्राम का जमाना था और समाज में जागृति करने वाले लोगों में उस समय के कला जगत के सभी लोग बहुत अग्रसर थे. फिल्में निकलती थी, नाटक होते थे, गीत गाए जाते थे, उन सब में समाज की जागृति करने का उद्देश्य कहीं ना कहीं झलकता ही था. और इसलिए कलाकार ऐसा मानते थे कि हमारा कला को चरितार्थ कर रहे तो ये केवल आजीविका नहीं है, देश की सेवा करने का भी वो एक मार्ग है. और इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर दीनानाथ जी के जो नाटक थे उसमें स्वतंत्रता का संघर्ष ये थीम कहीं ना कहीं आती थी. शौर्य का वीर वृत्ति का सम्मान, मान अपमान नाटकम, यहां बैठे मराठी भाषिक तो सब जानते हैं. नाटक वैसे नाटक को मनोरंजन का साधन माना जाता है, लेकिन वो मानापान नाटक में एक धैर्यधर है, एक लक्ष्मीधर है. और लक्ष्मीधर पैसे के पीछे भागता है, धैर्यधर शौर्य के पीछे भागता है. जैसा अभी सलीम साहब ने कहा कि भगवान हमको शील और साहस दो, पैसे हम कमा लेंगे, वैसा मानने वाला होता है.
कि अपने में दम है तो ये बाकी सब हम कर लेंगे। अब ऐसे संन्यास्त खड़ग सावरकर जी का ऐसा कहते हैं कि सावरकर जी को या हमारे विदर्भ में एक उस समय के बड़े जाबाज नेता थे स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वीर अमर राव जोशी, ऐसे लोगों को नाटक लिखवाने के लिए भी प्रवृत्त किया इन्हीं लोगों ने। और इसलिए उनके गाए हुए गीत, उनके गायन की जो प्रवृत्ति थी, गायकी का ढंग ऐसे मराठी में बोलते हैं, वो सारा समाज को कार्य प्रवृत्त करने वाला, समाज में वीरता का प्रोत्साहन करने वाला था। और ऐसे कलाकार के नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है और जो बुलाने वाले हैं वो केवल उनके नाम का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उन्होंने परंपरा जीवंत रखी है अभी तक। इसलिए वो बुलाते हैं और हम जा सकते तो जाना चाहिए, इस भावना से मैं आया। और आने के बाद मुझे और अच्छा लगा कि आज सहयोग ऐसा है, सभी हमारे जो पुरस्कार के अधिकारी लोग मंच पर बैठे हैं उन सब के करने बोलने में कुछ न कुछ ऐसे आ गया है कि उसी परंपरा का स्मरण फिर से होता है। किसी ने भी पुरस्कार मिला तो श्रेय खुद लिया नहीं, मंगेशकर प्रतिष्ठान से पुरस्कार मिलता है तो उनका तो धन्यवाद करना तो स्वाभाविक बात है, करते ही है सब लोग, लेकिन उतना ही नहीं तो अपने गुरु परंपरा को याद किया। अब ये कृतज्ञता की जो भावना है उनके लिए तो सहज है, मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं आज के कार्यक्रम में ध्यान देने की बातें आपके सामने रख रहा हूं। मैंने जिस पर ध्यान दिया और मुझे लगता है कि इन बातों पर ध्यान देने से हमको लाभ होगा इस कार्यक्रम का, वो पहली बात है कि ये सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में मूर्धन्य लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, शिखर पर के लोग हैं, लेकिन सब लोगों ने एक कृतज्ञता का भाव अपने बोलने करने में से यहां पर आपके सामने रख दिया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जितना आदमी गुणवान होता है उतना वो नम्र होने लगा, जितना श्रेय उसको मिलता है वो सारा श्रेय कहीं पर दे देने वाला हो गया, तो दुनिया के बहुत सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे और ऊंचे होने की राह में गिराने वाले गड्ढे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि गिरता तो वही है ना जो ऊपर जाता है, जो नीचे ही है उसके गिरने का सवाल ही नहीं रहता, तो जिसका उत्थान होता है उसी का पतन होता है और पतन के कारणों में पहला ये रहता है कि अहंकार होता है। एक ऐसी कलाकार था मूर्तिकार, बहुत प्रसिद्ध, उसकी मूर्तियां हजारों रुपए में उस समय बिकती थी। उसका एक छोटा बालक था शिशु आयु का, वो भी अपने पैरों पर जब चलने लगा और थोड़ा बहुत बात करने लगा तो पिताजी के साथ वो भी बाजार में जाता था और देखता था पिताजी मूर्ति बनाते हैं और लोग इतने पैसे देकर उसको खरीदते हैं, तो जैसे बालक सोचता उसको लगा मैं भी करूंगा। तो भी जो मिट्टी आती थी मूर्ति बनाने के लिए उसको अपने हिसाब से कुछ आकार देकर ये मैंने बनाई हुई मूर्ति है ऐसा बोलने लगा। पिताजी ने कहा ठीक है, बालकों का बड़ा लाड़ प्यार किया जाता है, फिर वो कहा ये भी बाजार में लेके जाना है, तो बाजार में भी लेके जाते थे, रख देते थे उसके समाधान के लिए, कौन खरीदेगा उसको। लेकिन धीरे धीरे वो भी सीखने लगा तो उन मिट्टी के पेंदों को आकार आने लगा, हाथ पर आने लगे, थोड़ा सा चेहरा ध्यान में आने लगा, तो लगे हाथ इसकी भी मूर्ति चाराने में एक रुपए में ऐसी जाने लगी, उसका और उत्साह बढ़ा और बनाने लगा। ऐसा करते करते वो भी मूर्तिकार बना, पिताजी के साथ उसकी भी मूर्तियां बिकने लगी। हर बार उसकी मूर्ति बिकने के बाद वो पिताजी को पूछता था कि आपने बनाई मूर्ति को इतना पैसा मिला, मुझे इतना ही मिला, ऐसा क्यों हुआ। फिर पिताजी उसको बताते कि तुमने
वो जो आंखों का रंग था उसमें जरा गड़बड़ किया, वो शेड तुमको बदलनी चाहिए, वगैरह सारी समीक्षा होती थी और उसकी कला और अच्छी होती।